मैं आज आ गया हूँ लखरामा गांव के एक तालाब पे, जहाँ का काम स्टार्ट हो चुका है वहाँ के ग्राम प्रधान के द्वारा। और जो देख पा रहे होंगे आप लोग कि मैं जिस जगह पे चल रहा हूँ, ये जगह है रास्ते के लिए बनाया गया है। साइड साइड में ईंटों का जुड़ाई हुआ है, बीच में इसको ट्रैक बनाया गया है पैदल चलने के लिए। और जिस तरीके का यहाँ पे नवीनीकरण किया जा रहा है, वाकई में बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त बनाया हुआ है। पेड़ को लगाने के बाद में पेड़ों को बचाने के लिए ईंटों का जो है जिस तरीके से जुड़ाव किया गया है, सोलर पैनल को भी लगा दिया गया है, अभी बैटरी नहीं लगाई गई है। बैठने के लिए भी यहाँ पे पूरा इंतज़ाम बाकायदे किया जा चुका है। ट्रैक जो है अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, तालाब में पानी भरा जा चुका है, भरा जा चुका है। बरसात का पानी यहाँ पे भी इकट्ठा होता है। डाउन एरिया है तो डाउन एरिया में जो है पूरा पानी ऑटोमेटिक पूरे ऊंचे जगह का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। आप ये देख सकते हैं, ये है अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत लखरामा, बिखंड करछना, प्रयागराज। और यहाँ पे हर एक पेड़ को लगाया गया है। अभी पेड़ का जो है जिस तरीके से ग्रोथ हुआ नहीं है, मुझे लगता है कि पेड़ सही टाइम पे नहीं लगा था, सूख गया है पेड़। लेकिन बचाव के लिए उसको जो है बचाव का पहले कार्य लोग कर दिए हैं, पेड़ लगाए भी हैं। कुछ पेड़ मुझे लगता है हरा भरा भी है। और वाकई में दोस्तों कि वाकई में इतना सुंदर दृश्य है, अगल बगल पूरा जो है हरा, हर तरफ हरा भरा है, और बीच में अगर तालाब का पानी हो तो कैसा लगता है। ये पूरा जिस तरीके जब तैयार होगा दोस्तों तो बहुत अच्छा लगेगा गांव के नज़रिए से, गांव के लोगों के लिए। और ये देखिए, ये पेड़ जो है, देखिए ये हरा है, अमरूद का पेड़ है, और इसमें जो है ये सूखा नहीं है, ये बच गया है। हो सकता है कि जो सूख गया है पेड़, उसको फिर से रिप्लांटेशन करेंगे यहाँ के ग्राम प्रधान। और अमृत सरोवर, जिस तरीके से अमृत सरोवर एक नाम दिया जा रहा है सभी तालाबों का नवीनीकरण, जिस तालाब का नवीनीकरण हो रहा है उस तालाब को अमृत सरोवर नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जुड़ाई का काम, सड़क का काम, हर काम हो रहा है। और पूरे जगह पे सोलर पैनल जो है, पूरे चारों तरफ सोलर पैनल की संख्याएं देखी जाए तो चारों साइड में 4 सोलर पैनल लगाए गए हैं। और अभी बैटरी नहीं रखा गया है, सोलर पैनल दिया गया है, लाइट लगा दी गई है, लेकिन बैटरी अभी नहीं रखा गया है। बैटरी रखने का काम हो सकता है कि सारा कुछ तैयार होने के बाद बैटरी की व्यवस्था करेंगे ये लोग। अभी देखिए इसमें पेड़ ही नहीं लगाया गया है, तो तैयार कर दिया गया है अभी बचाव के लिए, पेड़ के बचाव के लिए, क्योंकि जानवर काफ़ी उपद्रवी होते हैं, तो पेड़ के बचाव के लिए जो है पहले ही जो है दीवारों का जुड़ाई कर दिया गया है। और गांव के लोग सुबह सुबह में इधर टहलने के लिए आते हैं, और आपसे मुलाकात करेंगे हम, मुलाकात करवाते हैं गांव के ही सदस्य से, उनसे पूछेंगे यहां के बारे में कैसा लगता है जो है। ये देखिए यहां पे मैंने बताया ना, अमृत सरोवर ग्राम पंचायत लखरामा विखंड करछना प्रयागराज, सीट ज़बरदस्त बनाया, ले आया गया, इसे बाहर से शायद मंगवाया गया है ग्राम प्रधान के द्वारा। यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? आशीष कुमार। काम कब से चल रहा है? अरे 2-2.5 महीना हो गए। 2-2.5 महीने में इतना काम हो गया? देखिए कैसा लगता है आपको यहाँ पे? अरे बहुत ही अच्छा, देखा है हर सीधा काम नहीं क्या देखा, जहाँ हर्षदेव वो ऐसा है आशीष रिसे जीते देखा। ये देखिए यहाँ से कुछ नज़ारा ही इतना उम्दा नज़ारा है कि और बगल में पूरा हरा भरा है, और बीच में तालाब, मंदिर भी जो है यहाँ की शोभा को बढ़ाता है। मंदिर का भी एरिया को बाउंड्री किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। और जो सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल भी लगा दिया गया है अभी, जिस वजह इसका बैटरी नहीं रखा गया है। नहीं, मैं ऑटोमेटिक है। अच्छा, ऑटोमेटिक है क्या? हाँ। अच्छा, ये देखिए ऑटोमेटिक है, इसमें भी विदाउट बैटरी जो ये रात को जलेगा केवल 6:30 बजे के बाद। अच्छा। जैसे सूर्य प्रकाश अपना ऊर्जा वाला मिलेगा उस समय बुझ जाएगा। अच्छा, सोल देखिए ये ऑटोमेटिक है, जो कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बैटरी रखा जाएगा। नहीं, चार्ज हो रहा है ना। अच्छा, ये चार्ज हो रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश मिलेगा उस टाइम में ये बंद हो जाएगा 6:30 बजे करीब। और
जिस टाइम में मतलब कि शाम होगी, शाम के टाइम में ये अपने आप जो है ऑन हो। यस यस यस, अभी देखिए हमने अभी जो है इसको ध्यान, ये देखिए सोलर पैनल जो है यहाँ का इस टाइप में, यहाँ पे आप लोग अगर देख पा रहे होंगे एक लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट जल रही है, वो जो है इसको चार्ज करने का काम कर रही है। इस टाइम में ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, और चार्ज होने के बाद में जैसे ही शाम ढलेगा वो अपने आप जो है यहाँ की लाइट जल जाती है, ठीक है। इस समय 46। अच्छा, और सीढ़ियों को जो है तालाब में उतार दिया गया है बहुत अच्छे से जो है, जिससे कि लोगों को उतरने में, और अच्छा नीचे और एक सीढ़ी बनेगी, स्टेप और नीचे बनेगा, नहीं वहाँ नहीं इधर, अच्छा इस साइड से भी, इस साइड से भी। अच्छा ये पानी जो है निकाल आने के लिए, पानी आने के लिए भी एक, यहाँ आने के लिए वहाँ जहाँ एक जगह और छूटा है ना, हाँ 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 हाँ, वहाँ निकलने के लिए, निकलने के लिए पानी जो है आने के लिए और निकलने के लिए दोनों जो है, इधर से भी पानी निकलने के लिए। देखिए गड्ढा जो खोद दिया गया है सड़क को, इसमें पाइप शायद पाइप ही डालेंगे, मोटी पाइप इसमें डालेंगे, ये देखिए ये मोटी पाइप को डाला जाएगा और इसमें ये इसी के थ्रू बाहर का पानी इसमें अंदर आएगा, और ताला अंदर का पानी बाहर जाने के लिए वहाँ भी बनेगा। अच्छा, बाहर भी निकालने के लिए पानी की व्यवस्था जो है वहाँ पे भी कुछ लेवल ऊंचा करके, नहीं वही जैसे यहाँ बनेगा वैसे वहाँ। अच्छा उसी लेवल से, हाँ अच्छा उसी लेवल से, ठीक है। तो यही है दोस्तों, गांव अगर गांव इस तरीके का डेवलप करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरीके से गांव अगर है तो लोगों को भी अच्छा लगता है, सुबह शाम बैठने के लिए आने जाने के लिए, कम से कम एक होता है कि आदमी पार्क में, शहरों के पार्कों में जाके घूमता फिरता है, और इससे ज़्यादा शुद्ध हवा, इससे ज़्यादा शुद्ध जगह तो मतलब मिलना मुश्किल है। जैसे कि लोग उत्तराखंड पहाड़ियों पे हिमाचल घूमने के लिए जाते हैं, ये उन सब जगहों की अपेक्षा मतलब उन्हीं सब जगहों के जैसा है। आप देख सकते हैं नज़ारा कितना बेहतरीन नज़ारा है, एक तो मौसम भी बहुत उम्दा है, सुहाना है, सुहाना मौसम है। आपका नाम? ज्ञानेश्वर प्रसाद। ज्ञानेश्वर प्रसाद जी हैं, आप किस गांव के हैं? सोनाई। सोनाई के हैं, देखिए सोनाई गांव के हैं, और ये लखरावा गांव ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन यहाँ पे वो वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं। कल मैंने दिखाया था आप लोगों को सोनाई गाँव का, ठीक है, वहाँ पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन का चल रहा है पूरा काम, वहाँ इस तरीके का पूरा काम नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन यहाँ पर देखिए अपने आप दिखाया मैंने कि ट्रैक जो है उधर ट्रैक का डिज़ाइन तैयार किया गया है और यहाँ पे ट्रैक बिछा दिया गया, इंटरलॉकिंग कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसा भी आपको लगा हो कमेंट ज़रूर करिएगा।